कुदरत के दिए गए वरदानों में पेड़ पौधों का महत्वपूर्ण स्थान है। पेड़ पौधे मानवीय जीवन चक्र में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसमें न केवल भोजन संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति ही होती, बल्कि जीव जगत से नाजुक संतुलन बनाने में भी ये आगे रहते हैं। कार्बन चक्र हो या भोजना श्रृंखला के पिरामिड में भी ये सर्वोच्च स्थान ही हासिल करते हैं। इनकी उपयोगिता को देखते हुए इनको अनेक संवर्गों में बांटा गया है। इनमें औषधीय पौधे न केवल अपना औषधीय महत्व रखते हैं, आय का भी एक जरिया बन जाते हैं। हमारे शरीर को निरोगी बनाए रखने में औषधीय पौधों का अत्यधिक महत्व होता है। यही वजह है कि भारतीय पुराणों, उपनिषदों, रामायण एवं महाभारत जैसे प्रामाणिक ग्रंथों में इसके उपयोग के अनेक साक्ष्य मिलते हैं। तो दोस्तों, आज हम एक बहुत ही उत्तम पौधे की बात करेंगे जिसके आगे लाखों की दवाइयां तक फेल हैं। तो आइए फिर वीडियो को शुरू करते हैं और इसी तरह की और रहस्यमयी जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल ट्रू हिस्ट्री को आज ही सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें। दोस्तों, प्रकृति का खजाना अनमोल और असीमित है। खासकर बारिश के मौसम में जगह जगह पर वनस्पतियां लग जाती हैं। कुछ पौधे अपने आप ही लग जाते हैं और इन्हें हम बेमतलब का सर दर्द या कचरा समझकर, जंगली घास फूस समझकर उखाड़ कर फेंक देते हैं। दोस्तों, कुछ पौधों के बारे में आज मैं आप सभी को बताने जा रहा हूँ। यह हमारे आसपास में ही मौजूद होता है और इन्हें हम कचरा नहीं, बहुत ही ज्यादा कीमती और अनमोल रत्न कहना चाहेंगे। हीरे मोती से भी ज्यादा कीमती होते हैं। इनका औषधीय महत्व सर्वोपरि होता है। आज एक ऐसे ही छोटे से पौधे के बारे में बताने जा रहा हूँ। मेरे घर के आसपास में यह पौधा बहुत ही ज्यादा लगा हुआ है और मैं चाहता हूँ कि आपको भी इसकी जानकारी हो। आप सभी स्क्रीन पर देखकर इस पौधे के बारे में समझ चुके होंगे कि यह किस चीज का पौधा है और अब मैं आपको बताऊंगा कि इस पौधे का क्या नाम होता है और इससे हमें क्या क्या फायदे होते हैं। आप इस पौधों को जानकर चौंक जाएंगे दोस्तों, और इसके बाद से आप इसे बेमतलब का कचरा समझकर कभी भी उखाड़ कर नहीं फेंक पाएंगे, इस बात की गारंटी मैं लेता हूं। दोस्तों, हमारे यहाँ पर इस पौधे को छोटा धतूरा के नाम से जाना जाता है। अलग अलग गांव शहरों में अलग अलग नाम से इन्हें जाना जाता है। हमारे यहाँ पर छोटा धतूरा कहते हैं। आपके यहाँ पर किस नाम से जाना जाता है कमेंट में मुझे जरूर बताइएगा। कई लोग इसे छोटा गोखुर भी कहते हैं। कई जगहों पर इसे खाखरा कहा जाता है, कहीं शंखा होली और कहीं कांथू बोलते हैं। कई जगह पर इसे कांटा गोली कहते हैं और अंग्रेजी में इसे कॉक लवर कहा जाता है। गांव में अक्सर सभी बच्चों ने यही कॉक लवर से एक दूसरे को मार करके अपना मन प्रसन्न किया होगा। मैं भी बचपन में अपने दोस्तों के कपड़ों में इसे चिपकाया करता था। इन्हीं को देखकर हम अपने बचपन से जवान हुए हैं। इससे ज्यादातर गांव खेत खलिहान में पाया जाता है। अगर साफ साफ शब्दों में कहूं तो कॉक लवर सोने, चांदी, हीरे, मोती से भी ज्यादा कीमती होता है। और आज मैं आपको इसके बीज के बारे में भी बताऊंगा। इसके जो बीज होते हैं वह कांटे युक्त होते हैं। जनवरी या फरवरी के महीने में इसमें बीज आना शुरू हो जाते हैं। पहले हरे रंग के बीज होते हैं और फिर धीरे धीरे यह भूरे रंग के बीज बन जाते हैं और यह बहुत ही औषधीय गुणों का भंडार होते हैं। दोस्तों, शायद आपको पता नहीं होगा कि यह एक बहुत ही अच्छी जड़ी बूटी भी है, अमृत तुल्य है, महाशक्तिशाली है। इस जड़ी बूटी के आगे बड़ी बड़ी डॉक्टर या मेडिसिन भी फेल हो जाती है। तो अब से आप सभी इसे कचरा या सिर दर्द समझकर ना फेंके। यह एक पावरफुल जड़ी बूटी है जो कि बरसात के मौसम में अपने आप ही लग जाती है। कांटे युक्त इसके फल होते हैं। दोस्तों, हम सभी को भारत भूमि को धन्यवाद करना चाहिए। हम ऐसे देश में रहते हैं जहां आज भी यत्र तत्र सर्वत्र जड़ी बूटियां हर जगह फैली हुई हैं। इन्हीं जड़ी बूटियों के लिए विदेशी लोग तरसते हैं कि कहीं से उन्हें यह पौधा मिल जाए। तो ईश्वर का हमें धन्यवाद करना चाहिए कि हम ऐसी भारत भूमि में आज भी रहते हैं जहां पर अमृत की तरह शक्ति रखने वाले पेड़ पौधे आज भी मौजूद हैं। दोस्तों, आप सभी देख लीजिएगा कि एक दिन ऐसा जरूर आएगा जब हर कोई इन पेड़ पौधों को अपने गले लगाएगा, जड़ी बूटियों को गले में पहने और अंग्रेजी दवाइयों को छोड़ करके इन्हीं की तरफ दौड़ता हुआ चला आएगा, क्योंकि जड़ी बूटियों में अमृत होता है, साक्षात ईश्वर का वास होता है। अभी तक यह जानकारियां लोगों को पता नहीं थी, लेकिन हमारे चैनल के माध्यम से हम हर किसी को जागरूक करने का पूरा प्रयास कर रहे हैं ताकि लोग अंग्रेजी दवाओं से शरीर को सही जल्दी कर लेते हैं, लेकिन बाद में बहुत ही जल्दी शरीर अंग्रेजी दवाइयों के सहारे चलने लगता है। ऐसी दवा
शरीर को जीते जी ही मार देती है, लेकिन पेड़ पौधों से निकला अमृत शरीर को अमर बना देता है, ताकतवर बना देता है, बुढ़ापे में भी जवानी की शक्ति रखता है। तो चलिए अब मैं आपको कि किन किन बीमारियों में यह फायदेमंद है। देखिए, इसकी जो पत्तियां होती हैं उन्हें पीस करके अगर इनका रस निकाल करके अपने बालों में लगाया जाए तो आपके बालों का गंजापन दूर हो जाता है, नए बाल उगना शुरू हो जाते हैं। बालों के लिए यह एक अमृत का काम करता है। दोस्तों, इसे कोई भी लगाता नहीं है, बल्कि यह आसानी से सड़क के किनारे या खाली स्थानों पर अपने आप ही उग जाते हैं। और अगर किसी को सरदर्द की बहुत ज्यादा परेशानी है तो इसके पत्तों को पीस करके 2 से 3 बूंद रस के अंदर दही मिलाकर कि अगर आप सिर के ऊपर मालिश करते हैं तो आपको आराम मिलता है। अक्सर मौसम बदलने से सर्दी खांसी बच्चों को हो ही जाती है और यहां तक कि बड़ों को भी हो जाती है। इसके पत्तों को छाव में सुखाकर दूध के साथ सेवन करने से सर्दी खांसी तुरंत ही खत्म हो जाती है। दोस्तों, ये हर प्रकार की कमजोरी को दूर करने के लिए भी रामबाण का कार्य करता है। देखिए, आजकल के समय में ज्यादातर लोग कमजोरी की समस्या से परेशान हैं, क्योंकि हमारा लाइफस्टाइल इतना ज्यादा खराब हो चुका है कि हम अपने शरीर की ओर ज्यादा ध्यान ही नहीं दे पाते, सारे पोषक तत्व उन्हें नहीं पहुंचा पाते। तो चलिए जानते हैं कि कैसे इसका सेवन करना चाहिए। तो इनके पत्तों को सबसे पहले सुखा करके एक चूर्ण बना लें और फिर दूध के साथ सेवन करने से आपके अंदर यौन शक्ति बढ़ती है, कमजोरी दूर हो जाती है। बहुत ही सिंपल सा उपाय है। दोस्तों, आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अब मैं आप सभी को इस पौधे का एक और चमत्कारी उपाय बताता हूं। चर्म रोग पर इसका रस लगाने से धीरे धीरे चर्म रोग बिल्कुल ही समाप्त हो जाता है, ठीक हो जाता है। दोस्तों, अक्सर फोड़े फूसी बच्चों को लग ही जाते हैं या फिर घाव हो जाते हैं, तो उसमें भी इसकी पत्तियों का पेस्ट लगाएं, थोड़ी ही देर में फूंसी ठीक हो जाती है चेचक के। जो दाग होते हैं उनमें भी यदि इन पत्तियों का रस लगाया जाए तो दाग धब्बे बिल्कुल ही दूर हो जाते हैं। अब मैं ये बताता हूं कि बालों के लिए तेल कैसे बनाया जाए। इसका तो आप किसी भी प्रकार का जो भी तेल इस्तेमाल करते हैं उसमें आप इसके रस को मिला लें और फिर अपने बालों पर अप्लाई करें। आप जो भी तेल का इस्तेमाल करते हो, चाहे नारियल तेल हो या सरसों तेल हो, सबसे पहले छोटे गोखुर की कुछ पत्तियां लें और इस तेल में डाल करके तेल को गर्म कर लें और उसे छान करके हर रोज अपने सिर की सतह में मालिश करें। ऐसा करने से आपके सिर में कभी भी सफेद बाल की समस्या नहीं होगी, बाल हमेशा काले और घने बने रहेंगे। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करने के साथ चैनल को सब्सक्राइब और पास वाला बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा। मिलता हूं एक नई जानकारी के साथ, आपकी नई समस्या के नए समाधान के साथ। जय श्री राम। धन्यवाद दोस्तों।